प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का दौसा से दिल्ली के बीच के हिस्से का उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत आने का दावा किया है। वहीं अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की स्पीड से वाहन दौड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये दावा सही साबित होने की बजाय खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि ठेकेदार की ओर से एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर असंतुलित सड़कें बना दी गई हैं, जिसके बाद वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने से वाहन अनियंत्रित होते हैं और वाहन पलटने का डर भी बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते एक्सप्रेसवे को कई जगह से उखाड़ कर दोबारा बनाया जा रहा है। बता दें, भांडारेज मोड़ से गुरुग्राम टोल प्लाजा के बीच 2 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है, जहां एक्सप्रेसवे की खुदाई कर सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली और मुंबई को आपस में जोड़ता है और जयपुर से दिल्ली का सफर भी आसान बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली रिंग रोड से 10 किलोमीटर आगे गुरुग्राम के घामडोक टोल के पास एक्सप्रेसवे को खोदकर रिपेयरिंग की जा रही है। सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर का कहना है कि सड़क बारिश से पहले बनाई गई थी, इसीलिए अब तेज गति के वाहन इस सड़क पर असंतुलित हो रहे हैं। इसके अलावा फिरोजपुर जिरका के पास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क को खोदकर दोबारा बनाया जा रहा है। बता दें, एक्सप्रेसवे पर फिलहाल कार, जीप, बस और ट्रकों के लिए अलग से लेन सिस्टम लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते ओवर स्पीड हो रही है और वाहनों के हादसे सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उद्घाटन के बाद से अब तक लगभग 5 हादसे सामने आ चुके हैं और इन हादसों में 3 जाने भी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि इस हाईवे पर ट्रकों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर, बस की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर और कार जीप की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।